हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो गए। उनका इलाज मेदांता में चल रहा है। हालांकि डीएस ढेसी के संक्रमित होने के बाद सीएम आवास और कार्यालय के कुल 60 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच कोरोना की पहली वैक्सीन लगने के बाद भी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद से उनके संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल 60 सदस्यों के नमूने लिए गए थे। इनमें से 5 लोग संक्रमित मिले हैं। एहतियात के तौर पर उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और उनके संपर्क में आए अन्य लोगों के भी नमूने लिए जा रहे हैं। 45 साल से ऊपर की एज है उनके सभी के वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अभी तक फर्स्ट डोज लगा दी गई है, जिसमें कि अगर मैं कहना चाहूँगा विशेष तौर पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री कृष्ण पाल जी, हमारे एडवोकेट जनरल साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और अन्य विशेषकर अधिकारी जो हरियाणा गवर्नमेंट के हैं और एमएलएस जैसे राई से हैं, क्योंकि कुछ एमएलएस ने अपने अपने एरियाज में लगवा रखी है, जिनों की नहीं लगी थी तो उनके हमारे यहाँ फर्स्ट डोज जो है लग रही है, जिसका विशेष योगदान कोरोना से रोकथाम के लिए रहेगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बता दें कि ढेसी ने रविवार को लक्षण मिलने पर सैंपल दिया था और वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी पिछले एक सप्ताह से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और गुरुग्राम के मेदांता में वो 8th फ्लोर पर उनका इलाज चल रहा है, जो कि डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। हरियाणा में शुक्रवार को कोरोना के 872 नए केस मिले हैं। पिछले 4 महीने में एक दिन में ये संक्रमण का सर्वाधिक आंकड़ा है। देश के बाकी हिस्सों की तरह हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। प्रदेश के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार पहले से ज्यादा सख्ती करेगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का निर्णय लिया है। हर सप्ताह सोमवार और मंगलवार को मेगा टीकाकरण अभियान चलेगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर के साथ अनिल कुमार, चंडीगढ़, टोटल न्यूज़।